VPN क्या होते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे आपको बेनिफिट दे सकते हैं, VPN नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बताऊंगा। आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग कैसे दे सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और VPN के स्टेप्स को बनाते हुए 3 स्टेप्स में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को 2 to 3 मंथ में कैसे बूस्ट दे सकते हैं, VPN लिंक्स लेने से या VPN नेटवर्क बनाने के डिसएडवांटेजेस आपको क्या पेश आ सकते हैं, ये वीडियो आपने अंत तक जरूर देखनी है क्योंकि इसमें बताने वाला हूं कि कैसे ये टेक्निक आपकी ट्रैफिक को बूस्ट भी कर सकती है और कैसे आपकी ट्रैफिक अथॉरिटी को नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकती है। और आप एक बार नहीं बार बार इसी वीडियो को देखें क्योंकि आपके पैसे तो लग नहीं रहे, तो इसमें हर पॉइंट आपको एक नया एंगल सोचने पर मजबूर करेगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या Facebook पेज लाइक नहीं किया तो सबसे पहले उसको करें और मुझे Instagram पे फॉलो जरूर करें। मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। सबसे पहले बात करते हैं कि VPN क्या होते हैं। आपकी वेबसाइट को बैकलिंक की जरूरत पड़ती है। बैकलिंक एक वोट कंसीडर होता है जो कि आपकी वेबसाइट को दिया जा रहा होता है। जिस वेबसाइट के पास अच्छे बैकलिंक्स होते हैं और अच्छी अथॉरिटी होती है, गूगल उन्हीं को ही हाईली रैंक करता है। VPN पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क या प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इस नाम से जाने जाते हैं। तो VPN ग्रे हैट और ब्लैक हैट SEO में फॉल करता है। आगे हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे ब्लैक हैट और ग्रे हैट में कैसे फॉल करता है। जैसे कि नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा, ग्रे एरिया और ब्लैक एरिया कैसे वेबसाइट के लिए बेनिफिट दे सकता है और कैसे वेबसाइट को अफेक्ट भी कर सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक्सपायर्ड डोमेन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और यही एक्सपायर्ड डोमेन भी VPN नेटवर्क का हिस्सा बनती है, और VPN के लिंक भी इन्हीं एक्सपायर्ड डोमेन से लिए जाते हैं। वो डोमेन ओल्ड होती है और किसी ना किसी स्टेज पे उन वेबसाइट पे कुछ अच्छा काम हुआ होता है, जिसकी वजह से जब आप उससे बैकलिंक लेते हैं तो वही अथॉरिटी आपको पास ऑन हो रही होती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में लिंक जूस भी कहते हैं। इन एक्सपायर्ड डोमेन बाय करने का दूसरा बेनिफिट ये होता है आपको कि अगर आप ऐसी डोमेन फाइंड कर लेते हैं, अगर उसकी अथॉरिटी अच्छी होती है तो आप उसी को ही बाय कर लेते हैं और उसके ऊपर अपना एक नया ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं। सपोज आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है, गूगल एडसेंस की वेबसाइट से इनकम करना चाहते हैं या अमेजोन एफिलिएट से रिलेटेड इनकम करना चाहते हैं, तो आप वही डोमेन बाय करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर कॉन्टेंट अपडेट करेंगे। तो उसका फायदा आपको ये होगा कि फर्स्ट डे से आपको इतनी अथॉरिटी मिल जाएगी जो कि आपको काम करने के बाद आफ्टर 6 to 8 months रिसीव होनी होती है। आप दो तरीकों से VPN से बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर वन, कि आप अपनी ही वेबसाइट को उनसे बैकलिंक देके उसको रैंक कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अगर आप VPN नेटवर्क बना लेते हैं तो उसी के बैकलिंक्स को सेल करके भी आप इनकम कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं तो वही VPN नेटवर्क, वही VPN लिंक एक अच्छी प्राइस में सेल होता है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी आप ऐसी ही सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे फाइवर और SEO क्लर्क में VPN लिंक सेलिंग की भी सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। VPN की डोमेन की सिलेक्शन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जिसमें देखा जाता है उस डोमेन का जो कि आप बाय करने जा रहे हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी और पे अथॉरिटी, ये दोनों चीजें आपको मुंह से हासिल होती है। उसके अलावा DR और PR HRFs के फैक्टर हैं। ट्रस्ट फ्लो और सर्टिफिकेशन फ्लो मैजेस्टिक की टर्म्स है जिसको आपने देखना होता है VPN की डोमेन को सिलेक्ट करने से पहले। उसके अलावा जब डोमेन सिलेक्शन आप कर रहे होते हैं तो उसकी बैकलिंक को जब एनालाइज करते हैं तो उसमें आपने ये नोट जरूर करना है कि किसी किस्म के चाइनीज बैकलिंक तो उस डोमेन को नहीं दिए गए, और हमेशा बैकलिंक की रेशियो को भी कंसीडर रखना है। सपोज अगर एक डोमेन को 100 बैकलिंक आ रहे हैं तो उसकी रेफरिंग डोमेन 5 to 10 times ही ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसके बैकलिंक्स 500 to 1000 से क्रॉस नहीं होने चाहिए, तो वो एक अच्छी डोमेन कहलाएगी। अब बात करते हैं कि VPN को सेटअप कैसे किया जाता है और किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपने अपने फुटप्रिंट्स को हाइड करना होता है। फुटप्रिंट्स ये होते हैं कि सपोज आप अगर 10 VPN का नेटवर्क बना रहे हैं, ये 10 VPN की साइट्स बना रहे हैं, तो उसके ऊपर एक थीम नहीं लगाना, एक प्लगइन नहीं लगाना, और वो सारी साइट्स एक अलग IP एड्रेस पे बेस होनी चाहिए। अगर आप नया VPN नई वेबसाइट सेटअप करने जा रहे हैं तो वेबसाइट पर कॉन्टेंट डालने के बाद 2 to 3 weeks का वेट करना है उससे कोई बैकलिंक लेने के लिए, आपकी वेबसाइट का नया वर्जन गूगल तक पहुंच जाए। किसी भी एक आर्टिकल से आपने 2 से ज्यादा बैकलिंक ना तो सेल करने हैं ना अपनी वेबसाइट को देने हैं। और जब आप डोमेन बाय कर रहे होते
होते हैं, ऐसी कंपनी से बाय कर रहे होते हैं या ऐसी डोमेन बाय कर रहे होते हैं जिसके ऊपर हुईज रिकॉर्ड जरूर अवेलेबल हो। हुईज रिकॉर्ड ये काम करता है कि आपकी डोमेन के बैक एंड पे जो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डीवी होती हैं वो उसको हाइड कर देता है। मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रार ये सर्विस फ्री ऑफर कर रहे हैं, पर कुछ रजिस्ट्रार इस चीज के चार्जेस भी लेते हैं। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ पेड प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा और फ्री प्लेटफॉर्म भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले फ्री प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ्री प्लेटफॉर्म है expireddomains.net, जहां पर हर वो डोमेन अवेलेबल होती है जो किसी ना किसी स्टेज पे या तो एक्सपायर हो चुकी होती है या होने वाली होती है, वहां से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये फ्री सर्विस है तो आपको लिमिटेड डोमेन्स ही देता है और रेगुलर बेसिस पे इसको अपडेट भी कर रहा होता है। उसके बाद आता है एक पेड टूल जिसका नाम है डॉमकॉप। डॉमकॉप में आप ये फिल्टर्स अप्लाई कर देते हैं जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें DR, UR, TF, CF और DA, PA जैसी फिल्टर्स उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास सिर्फ वही डोमेन्स आती हैं जो कि आपके इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही होती हैं। तो आपकी उस तमाम काम से झंझट से जान छुट जाती है जो कि आपने मैन्युअली परफॉर्म करना था। और जब डोमेन सेलेक्ट करनी है तो हमेशा मूज का स्पैम स्कोर जरूर देखना है, वो नॉर्मली अंडर 10, अंडर 5 या 0 हो तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन एक अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर लेते हैं तो उसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप करने के लिए flippa.com वेबसाइट्स बाइंग और सेलिंग का नेटवर्क है, जिसमें जाकर आप वही डोमेन अगर अच्छी अथॉरिटी रखती होगी तो वो कोई ना कोई आपसे अच्छी प्राइस में बाय कर लेगा, जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बनता है और वो उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। या वो अपनी नई वेबसाइट बनाएगा या फिर उससे परचेज करके उसको एज अ PBN काम करवाएगा। उसके बाद अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन ले लेते हैं तो दूसरी चीज जो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं वो डोमेन ऑक्शन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आपके पास कोई अच्छा नेम पड़ा हुआ है या अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट पड़ी हुई है तो आप उसको डोमेन ऑक्शन में बिडिंग के थ्रू भी अच्छी प्राइस में सेल कर सकते हैं, जिसके लिए पॉपुलर नेटवर्क है गोडैडी, नेमचीप और ब्रांड बकेट। गोडैडी ईयरली $5 चार्ज करता है और उसमें अनलिमिटेड डोमेन ऑक्शन पर लगा सकते हैं, जो कि किसी भी टाइम पर सेल होगी तो आपको उससे फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। नेमचीप कोई फीस नहीं लेता, पर आप जब भी डोमेन ऑक्शन करते हैं और अगर डोमेन ऑक्शन के थ्रू आपकी डोमेन सेल हो जाती है 10% आपकी इनकम में से डिडक्ट करता है और बाकी पैसे आपको ट्रांसफर कर देता है। इसके मुकाबले में ब्रांड बकेट कोई फीस नहीं लेता पर 30% कमीशन चार्ज करता है डोमेन सेलिंग पर। जब आप एक्सपायर्ड डोमेन की फील्ड में जाते हैं और डोमेन सर्चिंग कर रहे होते हैं तो उसका एक और बेनिफिट लेने का तरीका यह होता है कि जब आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है तो उसको हमेशा वेब आर्काइव में जाके जरूर देखना है कि किसी ना किसी स्टेज पर उस पर किस टाइप का कंटेंट पड़ा हुआ था और वो डोमेन गूगल में इंडेक्स भी है या नहीं है। जब आप एक्सपायर्ड डोमेन को फाइंड कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं जो कि किसी ना किसी स्टेज पर जो लोग न्यू स्टार्टअप प्लान कर रहे होते हैं, न्यू स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बिल्ड की होती है और किसी ना किसी वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप वेब आर्काइव में आप उनकी पुरानी शक्ल देखते हैं तो आपको वहां से डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे न्यू बिजनेस आइडियाज भी आप तक पहुंच जाते हैं। और अगर आप उसी बिजनेस आइडिया को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डोमेन तो आपके पास आ ही गई है, अब आपने सिर्फ वही कंटेंट या उस टाइप का कंटेंट उसके ऊपर अपडेट करना है और आप वो बिजनेस रैंक कर लेंगे। एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करते हुए जब आप लोगों की डोमेन को वेब आर्काइव में एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको उनकी पास्ट बिहेवियर और पास्ट कंटेंट के आइडियाज भी मिल रहे होते हैं, तो आप या तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पास लाकर, उसको बाय कर उसके ऊपर अच्छा कंटेंट डालकर, अपडेटेड कंटेंट डालकर उसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि उसकी अथॉरिटी ऑलरेडी बिल्डअप हुई भी होगी तो सिर्फ उसके ऊपर जब कंटेंट रेलिवेंट कंटेंट और अच्छा कंटेंट अपडेट होगा तो वो जल्दी रैंकिंग में आ जाएगी। और बहुत अच्छी केस स्टडीज में मैंने ये भी देखा है कि अगर वो अच्छी डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो 6 months में वो इनकम भी जनरेट कर लेते हैं और उसको अच्छी प्राइस पर सेल आउट भी कर देते हैं। यही प्रोसेस हम किसी न्यू डोमेन पे अप्लाई करते हैं तो उसको अचीव करने में आपको 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि हर नया बिजनेस जो है वो डोमेन से ही स्टार्ट होता है। जब आपके पास डोमेन होती है, आइडियाज और कॉन्टेंट के आइडियाज और बैकलिंकिंग के आइडियाज तो बाद में जनरेट होते हैं, सबसे पहले डोमेन आती है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और जिससे लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं वो है डोमेन रीडायरेक्शन। सपोज आपने कोई डोमेन फाइंड कर ली है और उसकी बहुत अच्छी अथॉरिटी है और आप उसके ऊपर कंटेंट नहीं डाल सकते किसी भी वजह से, तो आप उसी डोमेन को अगर वो रेलिवेंट है आपकी किसी और डोमेन से तो उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। इसी रीडायरेक्ट करने से ये होता है कि जितनी भी अथॉरिटी उस डोमेन ने बिल्ड कर रखी होती है वो पास ऑन हो जाती है आपकी डोमेन पर, और जब अथॉरिटी पास ऑन होती है तो वो डोमेन उसके रैंक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और डोमेन रीडायरेक्शन के क्वेश्चन जैसे मुझे आ रहे थे कि कितनी
सी डोमेन्स रीडायरेक्ट करनी चाहिए? उसका आंसर ये है कि आप मंथ में एक डोमेन रीडायरेक्ट कर सकते हैं, पर 2 to 3 डोमेन से ऊपर ना जाए रीडायरेक्ट करने के लिए। यहाँ तक मैंने टेस्ट किया हुआ है, इससे ऊपर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये रिस्की हो सकता है। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर सकते हैं और आप इस सारे टूल्स पे ग्रिप ले सकते हैं, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है कि शायद आप डोमेन सेलेक्ट करें वो ठीक ना हो, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं जिसमें फाइवर टॉप पर है। वहां पर लोग अपनी यही एक्सपायर्ड डोमेन हंटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। अगर वो सारी हसल से आप बचना चाहते हैं, डोमेन फाइंड करने के तरीकों में और टूल्स से बचना चाहते हैं, तो अपनी क्राइटेरिया उस स्पेसिफिक फ्रीलांसर को देंगे तो वो आपको आपकी मर्जी की डोमेन फाइंड करके दे देगा, जो कि आप सिंपली परचेज कर लेंगे और अपनी वर्किंग उसमें स्मूथली स्टार्ट कर सकेंगे। डिफरेंट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इस मेथड से पैदा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि इस मेथड से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ग्रे हैट और ब्लैक हैट में ये बैकलिंक की टाइप आती है। अगर आप बैकलिंक नहीं बना सकते तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फेसबुक के ग्रुप्स, फाइवर की प्लेटफॉर्म या SEO क्लर्क की सर्विसेज को यूज करते हुए PBN लिंक्स भी अपनी वेबसाइट के लिए परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको एक अथॉरिटी बिल्ड ऑन हो सकती है विद इन नो टाइम। पर ऐसा जरूरी नहीं है, ये हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का कंपटीशन फेस कर रहे हैं। जैसे कि मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हम PBN बाय नहीं कर सकते, हमारा इतना बजट नहीं है, तो आप कीवर्ड ही ऐसा फाइंड करें कि जिसके ऊपर कंपटीशन और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा कम हो। वो विदाउट PBN और विदाउट बैकलिंक भी मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं और आपके साथ वीडियोस में भी शेयर किए हैं। जैसे कि आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, आप ये विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको बेहतर आइडियाज भी मिल सकते हैं कि कैसे विदाउट PBN या विदाउट बाइंग एनी लिंक्स आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि जब आप PBN लेना शुरू कर देते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए लेना शुरू कर देते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे PBN बाय करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो PBN आप किसी ऐसे बंदे से ले रहे होते हैं जो के सिर्फ सेलिंग कर रहा होता है। वो PBN की क्वालिटी को नहीं मेंटेन कर रहा होता, PBN के स्कोर्स को, स्पैम स्कोर्स को नहीं मेंटेन कर रहा होता, और वेबसाइट सिर्फ बैकलिंक्स ही दे रही होती हैं, तो वो किसी ना किसी वजह से डीइंडेक्स हो रही होती हैं। तो जब आपकी डोमेन की डीइंडेक्स का रेशियो इंडेक्स के रेशियो से बढ़ जाता है, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग लूज करना शुरू कर देती है। तो अगर आप 10 PBN या 50 PBN पर मंथ ले रहे हैं, तो आपको उसी फिगर को कंटिन्यूस बेसिस आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बैकलिंक की, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी और ट्रैफिक दोनों डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि स्पैम स्कोर कंट्रोल नहीं होता, कि जो लोग PBN के लिंक सेल कर रहे होते हैं वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे होते, तो आपने हमेशा जब सिलेक्शन करनी है वो भी इसी क्राइटेरिया पे करनी है। सपोज आप अपना PBN नेटवर्क बनाना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि यही लिंक्स मैं किसी से परचेज कर लूं, तो आप इन सारे स्कोर्स को अप्लाई करेंगे, हमेशा जिस भी नेटवर्क से आप PBN लिस्ट लेते हैं उसको इन टूल्स में डालेंगे, और यहां से अच्छी अथॉरिटी वाली डोमेन विदाउट स्पैम स्कोर वाली डोमेन्स आप सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ उन्हीं से ही बैकलिंक लेंगे। ये मेथड सबसे चीप है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गेस्ट पोस्टिंग से। गेस्ट पोस्टिंग वो साइड होती है जो अच्छी अथॉरिटी बिल्ड की हुई होती है, जिन्होंने अच्छे ट्रैफिक बिल्ड की हुई होती है, वो आपको बहुत हाई क्वालिटी प्राइस में लिंक अपने सेल करते हैं। एज कम्पेयर टू PBN, यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते पैसों में अच्छा बैकलिंग भी मिल जाता है, बट डेफिनेटली उसकी वैल्यू जरूर है गेस्ट पोस्टिंग की, कि अगर आप किसी अच्छी हाई रैंक वेबसाइट से बैकलिंक लें तो। ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखें, तो आपने कमेंट जरूर दिया करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, और अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम इसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी किस्म के क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं। अगर आपने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पेज लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले उसको जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।